केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को इंदौर के बास्केटबॉल स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इस दौरान कहा कि पटना में टूटी फूटी विपक्ष निजी स्वार्थ के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष पारी की शुरुआत राजनीतिक ब्लैकमेल से हुई है, आम आदमी का रुख सबके सामने है। स्मृति ने कहा कि भेड़िया झुंड में शिकार करने निकले तो भी शेर का शिकार नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री के साथ देश की जनता का प्यार है। विपक्ष के नेताओं की हालत ये है कि अपना घर संभाल नहीं सकता, देश क्या संभालेंगे। सुनिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा। ऑडिटोरियम में बहनों से निकलिए, हमारा बाइट कब होगा? हम पूछे भैया पूछो क्या पूछना है, हमसे कहे दीदी इंदौर छोड़ो पटना से बताओ, पटना में क्या हुआ दीदी पहले ये बताओ। अंग्रेजी में एक कहावत है, वुल्व्स हंट इन पैक, मतलब वुल्व क्या होता है, भेड़िए जब शिकार करने निकलते हैं अकेले नहीं निकलते, सबके सब झुंड बनाकर निकलते हैं। लेकिन भेड़िया ये नहीं जाता कि शेर का शिकार होना, और जिस शेर पर बेटियों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद हो, उस शेर का भेड़िए शिकार करने के संभव। लेकिन अब वो जोड़ी बनाई है पटना में, जोड़ी कैसी, कहते हैं भाई भाई है, दोस्ती दोस्ती है, शंकर भैया और बचकित हो जाएंगे, कल कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी में पटना में बड़ा भाईचारा था, केरल में कांग्रेस के अध्यक्ष को कम्युनिस्ट पार्टी ने जेल में डाल दिया। केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि 9 साल पहले देश ने असाधारण दृश्य देखा था, जब प्रधान सेवक ने झाड़ू उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया था। उन्होंने खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए देश में 11 करोड़ शौचालय बनवाए। कांग्रेस ने गरीब को गरीब बनाया, सिर्फ गरीबी के नारे दिए, हमारी सरकार ने गरीब को समाधान दिया। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कांग्रेस सरकार की पहचान घोटालों के कारण थी, भाजपा की सरकार ने विकास करके देश को विश्व की पहचान दी है। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इंदौर में हमारी सरकार ने कई बड़े काम किए हैं, कांग्रेस के समय प्रदेश पिछड़ा राज्य माना जाता था, भाजपा सरकार ने उसे विकसित राज्य की श्रेणी मिला दिया है। कार्यक्रम में विधायक महेंद्र हार्डिया, रमेश मेंडोला, आकाश विजयवर्गीय सहित अन्य नेता भी शामिल थे। दिल्ली की उड़ान में देरी होने के कारण मंत्री ईरानी 3 घंटा देरी से इंदौर पहुंची थी। प्रबुद्ध जनों से मुलाकात के बाद वो सीधे 56 दुकान पहुंची और वहां आलू पेटीज, पानी बताशे, शिकंजी का लुत्फ उठाया। इसके बाद वो बास्केटबॉल के कार्यक्रम में पहुंची और वहां उन्होंने विपक्षी एकता की हुई बैठक में को आड़े हाथों लिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।